हे गाइस, दिस इज भाई अवंत अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लैपटॉप्स के बारे में। तो ये एक ऐसा डोमेन है यार जिसमें पिछले 4-5 साल से मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं एक वीडियो एडिटर भी रह चुका हूँ, मैं वो काम भी कर चुका हूँ जो कि हमें पेन टैबलेट्स वगैरह के ऊपर चीज़ें लिखनी है, राइट। हम कोडिंग भी कर चुके हैं, तो ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर मैं पिछले सारे और साथ में यार 4-5 लैपटॉप्स का एक्सपीरियंस भी रह चुका है, चाहे आपके कस्टम पीसीज हो, चाहे आपके आई मैक हो। अब यहाँ पर यार मैं सिर्फ वो सारी स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं करने वाला हूँ, मेरा इन हैंड जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यार यहाँ पर मेरा एक मानना है, ये हमने एक लेक्चर टाइप की चीज़ बनाई है, राइट, कि एडुकेट होना भी ज़रूरी है। हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे अगले 40-50 साल हमें इन प्रोसेसर्स के साथ ही खेलना है, ठीक है, इन लैपटॉप्स के साथ ही खेलना है। ये जो एक लैपटॉप होने वाला है, ये कॉलेज के दौरान तो क्या होगा, इसमें आप अपने लेक्चर देख रहे होगे और 3 से 4 साल बाद इसी के ऊपर आप अपनी जॉब भी कर रहे होगे। तो इस डिवाइस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं इस वीडियो में आपको मॉडल नंबर बता रहा हूँ प्राइस के हिसाब से कि यार अगर आपका बजट ये है तो आप ये 4 मॉडल देख सकते हो, पर उससे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको मॉडल्स बता नॉलेज दे रहा हूँ, जैसे कि आप ये वीडियो अगर 6 महीने बाद भी देख रहे हो और नए मॉडल आ गए हैं तो आप एक बेटर पिक कर सको, राइट। एक चीज़ जो यार मैं बताना चाहूँगा, हर एक बंदे का अपना एक बजट होता है, राइट, और आप उसे ऊपर ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। पर अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि 5-10 हज़ार में हमें एक बेटर चीज़ मिल रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा पुश करना। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं हूँ और आप बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है उसके पीछे यार इस लैपटॉप का एक अच्छा खासा रोल है। क्यों रोल है? ये यार एकमात्र ऐसी चीज़ है इस कमरे में जो कि मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदी थी। फर्स्ट लैपटॉप पापा ने गिफ्ट किया था कॉलेज के अंदर, और इसके अंदर क्या है यार, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। ऑल्दो इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाले थे पर वो विदाउट एडिटिंग डल रहे थे। तो होता क्या है, अब एक ऐसा ज़माना आ गया यार कि ठीक है आपको कॉलेज से जॉब वगैरह उठानी है, गुड, पर अगर आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्किल्स आनी चाहिए। जैसे कि वीडियो एडिटिंग आज के दिन आनी चाहिए, एक तरह से मैंडेटरी होगी। जैसे क्लास 6 वाले बच्चों के लिए कोडिंग करती है ना, तो आज के दिन वीडियो एडिटिंग भी एक मैंडेटरी स्किल है। आपको फोटोशॉप आनी चाहिए, राइट। कल को आपका मन करा कि नहीं यार कॉलेज के अंदर मैं तो एनिमेशन भी देखना चाहता हूँ, बहुत कम बच्चों का मन भरेगा पर हो सकता है। मैं भी अपने कॉलेज के अंदर जब आया था तो एक इंजीनियरिंग में एक पैकेज लेने आया था या यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, पर कुछ भी हो सकता है कॉलेज के अंदर। तो कभी भी यार आपका लैपटॉप आपकी रुकावट ना बने कि यार मैं करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास डिवाइस नहीं है। तो 5-10 हज़ार शायद हमें हेल्प कर रहे हों। अब यार मैं बताता हूँ लैपटॉप्स में यार हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़ के लिए, कोडिंग के लिए एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। नॉर्मल यूज़ मतलब मूवी देखनी है, पीपीटी वगैरह पे काम करना है, ईमेल, सोशल मीडिया। कोडिंग मतलब कोडिंग करनी है। तो कोडिंग में यार 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला, छोटी साइज़, क्योंकि आपको रोज़ उसे कॉलेज में अंदर लेके जाना होगा तो 14 इंच के लैपटॉप बेस्ट होते हैं। दूसरा, अल्ट्राबुक, हमें बैटरी लाइफ बहुत बड़ी चाहिए। SSD चाहिए, क्यों? आप कोडर हो एकदम से यार, बार बार दिन में पूरे समय एकदम से जैसे ही खोला SSD के अंदर क्या होता है यार, काफ़ी बार आपने पुराने ज़माने के लैपटॉप में देखा होगा ना, जैसे वो पीछे PC पड़ा है कि खोल रहे हैं तो भाई उसे 1 से 2 मिनट लग रही हैं ऑन होने में ही। SSDs के क्या साथ क्या होता है, आप एकदम से खोलते हो आपका PC ऑन है, ग्रेट, राइट। तो बहुत फास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू HDD। साथ में अगर आप एक कोडर हो तो हमें यार बैकलिट कीबोर्ड चाहिए। बैकलिट मतलब आप अंधेरे में बैठे हो तब भी आपके कीबोर्ड में से लाइट निकल रही है, जैसे कि आपको सारे के सारे दिख रहे हैं। ऑल दो अगर कोडर हो तब बिना देखे टाइपिंग सीख जानी चाहिए हमें, पर फिर भी एक ही अच्छा फीचर होता है, ग्रेट। लाइट वेट चाहिए, जैसे कि यार कल को आप कॉलेज में जाओ एक हाथ से हम उठा सकें, वही अल्ट्राबुक 14 इंची। अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड की बात करें यार, तो वहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि मैं कुछ वीडियो एडिटर्स, एनिमेटर्स या गेमर्स से बात कर रहा हूँ, उस केस में यार मेरा ऐसा मानना है कि 15.6 इंच की स्क्रीन जो होती है वो बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि वीडियो एडिटिंग करते हैं तब भी 3-4 पैनल होते हैं, प्रीव्यू पैनल, टाइमलाइन पैनल, ठीक है, मीडिया आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो सारी चीज़ें एक बड़ी स्क्रीन पर अच्छी दिखती हैं। दूसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड में भी यार जब गेमिंग वगैरह आप कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी एक बड़ी स्क्रीन होती है, वो अच्छी लगती है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन यार आपकी क्या प्राइस रेंज है, मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँगा जो कि आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। ये नॉर्मल यूज़ का कॉलम है, ये कोडिंग का कॉलम है और ये परफॉर्मेंस बेस्ड का कॉलम है। अगर आपका 20-30 हज़ार का बजट है तो उसके अंदर यार हमें 14 इंच का लैपटॉप पकड़ना है, 4 GB RAM, 128 GB SSD। अब यार आपको मेजॉरिटी लैपटॉप्स में HDD का ऑप्शन आएगा कि 1 TB HDD ले लो। मैंने कहा नहीं लेंगे। जब भी लैपटॉप लेंगे तब हमें यूँ सोचना है यार कि मैं 4 साल बाद के लिए लैपटॉप ले लूँ, इतनी उनकी लाइफ होती है, राइट। तो अब हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है नई जनरेशन के पास कि भाई हम 2 मिनट तक वेट कर रहे हैं, अच्छा ये खुलेगा, अच्छा ये प्रोग्राम लोड होगा, राइट। तो हमारे पास कम स्पेस है, चलेगा, आप कल को एक्सटर्नल ड्राइव लगा सकते हो, एक्सटर्नल SSD खरीद सकते हो, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। पेंटियम या i3 प्रोसेसर आपको मिल रहा होगा। ये यार वो चीज़ें हैं कि अगर मेरे पास इतना बजट होता तो मैं ये चीज़ें लेता, ग्रेट। अगर हम कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में यार क्या ये PC कोडिंग कर देगा? मैंने कहा हाँ, 20-30 हज़ार की रेंज में जो लैपटॉप आते हैं वो सारे के सारे आपकी सारी कोडिंग कर सकते हैं। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ गई? कुछ यार आपके ऐप्स होते हैं जो कि धीरे धीरे, भाई आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, तब हो सकता है थोड़ा सा लैग आए, थोड़ा स्लो हो, पर कभी यूँ नहीं होगा कि यार इसकी वजह से मैं कोडिंग कर ही नहीं पा रहा। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ गई? क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड लैपटॉप होते हैं? मैंने कहा नहीं,
गेम्स वगैरह ऐसा सच इस पर इतने बढ़िया से आप नहीं खेल पाओगे, ना वीडियो एडिटिंग वगैरह कर पाओगे। फिर एक अगली रेंज होती है यार 30 से 35 हज़ार की। 30 से 35 हज़ार की यार वो रेंज है जहाँ पे हमें 14 इंची मिल रहा होगा। ये सारे यार स्पेक्स मैंने जोड़ रखे हैं, अब इन्हें बोलने की ऐसा सच कोई नीड नहीं है। वही है आपकी जो SSD होगी वो अब थोड़ी सी बड़ी SSD मिल जाएगी, 4 की जगह आपको 8 GB RAM का भी ऑप्शन मिल रहा होगा। सारे नीचे मैंने मॉडल्स बता रखे हैं, अभी नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको ये देख भी सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हम किस प्राइस रेंज में, मैंने प्रॉपर मॉडल नंबर क्या उसके स्पेसिफिकेशन से सारे बता रखे हैं, राइट। एक और चीज़ यार, आप में से काफ़ी बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बता देता हूँ, ठीक है। पहली, मेटालिक बॉडी को हमेशा प्रेफरेंस देनी है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉडी। क्यों? जैसे ये एक मेटालिक बॉडी है, होता क्या है कि जैसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं तो ये आप लैपटॉप के पास हिंज देख रहे हो, ये वाला पोर्शन काफ़ी लैपटॉप्स मैंने देखे हैं जिनमें वीक हो जाता है, जिनकी प्लास्टिक बॉडी होती है, इधर से उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, इधर से उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मेटालिक बॉडी की लाइफ हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी, राइट। दूसरा, अगर हम यार टच स्क्रीन की बात करें, तो जब मैं कॉलेज में जा रहा था तो मुझे भी लगता था यार कि ये डेल के है ना, कुछ टच स्क्रीन वाले लैपटॉप आते हैं कितना कूल है। मैंने कहा जब आप यूज़ करने बैठते हो, मैं हॉस्टल के अंदर था यार, 250 बच्चे थे, हम सबके पास लैपटॉप था, तो टच स्क्रीन यूज़ नहीं करते, राइट। वो बस ठीक है, दिखने में अच्छा लगता है, कल को कॉर्पोरेट में आप जाते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह आपको कहीं दिखानी है तब ठीक है, पर कॉलेज के अंदर टच स्क्रीन का ऐसा जितना यूज़ नहीं है, अनटिल अनलेस आप उसे एक पेन टैबलेट की तरह यूज़ कर रहे हो, जो कि हम कुछ ऑप्शंस देखेंगे। राइजन प्रोसेसर क्या होता है? राइजन प्रोसेसर इंटेल की तरह ही होता है, काफ़ी अच्छा, यूजुअली मेजॉरिटी केसेस में सेम प्राइस रेंज में आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। लैपटॉप लाइफ की अगर बात से करें तो 3 से 4 साल होती है, बाकी अगर आपने ठीक जगह इन्वेस्ट किया है तो ये 5 साल से ऊपर हो गए इसे और अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम सिमिलरली SSDs को यार हमेशा प्रेफरेंस देनी है, छोटे लैपटॉप्स देने हैं हमेशा, अनटिल अनलेस आप वीडियो एडिटिंग वगैरह चीज़ें कर रहे हो, ग्रेट। अब यार हम बात आते हैं 40 से 50 हज़ार की रेंज के बीच में, तो इसके बीच में यार वही आपको 8 GB RAM मिल रही है, 512 GB। क्या हुआ? प्रोसेसर बढ़ गया, पहले आपको सिर्फ i3 प्रोसेसर मिल रहा था, अब आपको i5 प्रोसेसर मिल रहा है। प्रोसेसर यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब हम वीडियो एडिटिंग वगैरह की बात करते हैं तो, क्योंकि काफ़ी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपका प्रोसेसर ओरिएंटेड होते हैं, कि प्रोसेसर जितना स्ट्रांग होगा उतनी हमारी चीज़ें ठीक से हो रही होंगी। तो ये एक काफ़ी बढ़िया अपग्रेड हो गया यहाँ पे। अगर आपका यार, क्या हमारा गेम्स वगैरह खेल सकते हैं? हाँ, इस कैटेगरी में गेम्स खेल सकते हो, कोशिश करो 15.5 इंच का ये मिले। और ये 1 TB HDD क्यों लिखा यार? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा, जब इसको मैं यूज़ कर रहा था तो 128 GB SSD थी इसके अंदर, तो वीडियो एडिट होते थे पर यार यूँ होता था कि भाई जैसे ही 7 से 8 वीडियो एडिट हुए अब इसको पूरे को साफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं बची। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे विंडोज़ के PC देखने जिसके अंदर आपको 256 GB SSD भी मिल जाए और साथ में 1 TB HDD भी मिल जाए, कि यार आपके गेम्स हैं वो भी बहुत हैवी होते हैं, 150, 200, 250 GB तक के, तो वो भी आपके सारे स्टोर हो रहे हों। तो इस एक चीज़ और चाहिए यार, 2 से 4 GB का एक्स्ट्रा एक ग्राफिक कार्ड हो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी, तो ये हमें चाहिए ही चाहिए। फिर 50 से 60 हज़ार रेंज के बीच में क्या है? कुछ थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि भाई फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, टच करती वो खुल रहा है, ठीक है, बैकलेट मिल जाएगा कि भाई आप कोडर वोडर हो, काम कर पा रहे हो, तो ये सेम स्पेसिफिकेशंस ही वर्क कर जाएंगी कोडिंग के लिए। जैसे ही आप अगर वीडियो एडिटिंग इस परफॉर्मेंस बेस्ड में, यार आपको अब 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, राइट। और हमारी स्क्रीन 15.6 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि 15.6 ही लेनी है, तो आपने देखा यार मैं कॉलेज का बच्चा हूँ, 15.6 इंच तो बहुत भारी हो रहा है और कितना वीडियो एडिटिंग करना है, राइट, कि भाई पता चला कि शायद मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा या हो सकता है पूरे 4 साल में एक बार भी ना करूँ, तो ठीक है आप 14 इंच ले लो, वो ज़्यादा सेंस बना रहा है क्योंकि आपको उठा के तो रोज़ लेके जाना है उसे, पर आपको यूँ है नहीं यार मैं तो बहुत बढ़िया गेमर हूँ, मैं तो स्ट्रीमिंग करूँगा ही करूँगा जाके, तो 15.6 लेना है। चीज़ समझ में आ गई, ग्रेट। अगर हम 60 से 70 हज़ार की रेंज के अंदर जा रहे हैं तो इसके अंदर यार मैंने बोला है ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो लेना ही नहीं है 60 से 7 हज़ार का, ये मैक्सिमम भाई 50 से 60 हज़ार से ऊपर का लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं है आपको। फिर अगर हम कोडिंग के अंदर आएँ यार, तो चलो ठीक है इसके अंदर भी ज़रूरत नहीं है एज सच, पर आप में से काफ़ी हैं जो कि इस रेंज को क्रॉस करेंगे, तो भाई ठीक है आपको बैकलिट मिल जाए, 2 GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, जब मशीन लर्निंग के कोड वगैरह लिख रहे होंगे तो वो थोड़े से इंटेंसिव होते हैं, राइट, प्रोसेसर ओरिएंटेड होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी फास्ट हो रही होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन सस्ते लैपटॉप में वो चीज़ें नहीं हो रही। मेरे 4th ईयर में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में एक ऐसा आया था जहाँ पे हमें एक हैवी PC की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने जो कोड था ना वो पीछे वो जो आपको दिख रहा है उसमें रन किया था, वो लैपटॉप में भी रन नहीं हुआ था। तो एक आध बार ऐसी वो चीज़ें होती हैं यार, ठीक है कि भाई 2 घंटे से वो इतनी बड़ा डेटा सेट है कि उसे प्रोसेस किए जा रहे हैं, पर उसके लिए आप अपनी समझ गए ना, हाँ ग्रेट। क्वाड कोर प्रोसेसर आपको मिल रहा होगा, ठीक है, क्वाड कोर मतलब जितने ज़्यादा कोर हो यार उतना ज़्यादा बेटर होता है, राइट, उतने ज़्यादा आप काम एक साथ कर सकते हो। काफ़ी आपके सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं स्पेशली वीडियो एडिटिंग के अंदर जब हम जाते हैं, जो कि जितने ज़्यादा कोर होते हैं उतना बेटर होता है क्योंकि काम अकॉर्डिंगली बांट दिया जाता है, ग्रेट।
एक तरह से कोर को आप यूं समझो यार, पहले आपकी सिंगल वन वे रोड थी, ठीक है, तो आपकी कितनी गाड़ियां जा सकती हैं, वहीं पे आप वन की जगह आपकी चार क्वाड, चार कोर हैं, ठीक है, फोर लेन रोड है, तो ट्रैफिक इजीली पास कर जाएगा, लगभग कुछ वैसी सी चीज़ यहाँ पे हो रही होगी। ग्रेट, टच स्क्रीन का यार ऑप्शनल मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे टच स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ मिल जाएगा, मैंने कहा ये एचपी की पवेलियन सीरीज़ होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है पर काफ़ी सस्ते मॉडल भी आते हैं उसके, कुछ जैसे कि ये रहे, राइट। तो ये क्या यार, ये हमने यूज़ कर रखा है, हमारी टीम में एक व्यक्ति के पास है ये, तो इसके अंदर क्या है कि आपको ये टच स्क्रीन है, तो आप इसके ऊपर आप चाहो तो पेन टैबलेट से लिख भी सकते हो, तो वो आईआईटी दिल्ली का थर्ड ईयर स्टूडेंट है, तो मैंने पूछा भाई कितना यूज़ करता है इस चीज़ को, तो ये वाला तो यार थोड़ा हाई स्पेक्स के साथ है, 1 लाख के करीब का है, पर यही आपको 70,000 रेंज में भी मिल जाते हैं, तो ये पूरा 360 डिग्री ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो कह रहा था भैया मैं जब कॉलेज के अंदर जाता हूँ तो अपना नोट्स वगैरह सब मैं इसी के ऊपर लिख लेता हूँ, तो बैग में मेरे सिर्फ ये एक लैपटॉप पड़ा होता है, राइट। और उसने बोला यार प्रोसेसर वगैरह भी ठीक है, तो गेमिंग का भी शौक है मेरे को, तो ये 14 इंची का है, इसके ऊपर मैं गेम भी खेल लेता हूँ। फिर बोला मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, तो मैं इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ। तो ये एक ऑल इन वन डिवाइस टाइप हो गई, ये पवेलियन सीरीज आती है, इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता भी रहूँगा, और अभी हम थोड़ी देर में एडवोकेट भी हो रहे होंगे। फिर मैंने कहा ओके, और नीचे आते हैं। अब मैंने कहा इसके बाद मैंने यार एक ही रेंज लिया जो कि है अंडर 1 लाख, ठीक है, 80-90 हज़ार, उनको मैंने इतना नहीं छेड़ा है। इसमें मैकबुक एयर, यहाँ पे भी मैकबुक एयर, और इसका मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो मैकबुक से बेटर कोई नहीं है, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तब आपको विंडोज़ में जाना पड़ेगा कि भाई डेल एचपी के हम ले रहे हैं। अब ऐसा मेरा मानना क्यों है, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा पूरा इंडस्ट्री का मानना है। अगर आप एक कोडर हो, राइट, और अगर आप कॉरपोरेट्स में जाके देखोगे तो सारे के सारे कॉरपोरेट्स इन्हीं मैकबुक एयर प्रो को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कोडिंग के मामले में इनसे बेहतर कोई है ही नहीं, राइट। अगर मैं सिर्फ एक कंपनी छोड़ दूँ ना, कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो भाई नहीं यूज़ करने देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को मैकबुक। बाकी हर जगह क्या यूज़ होता है, एप्पल यूज़ होता है, ये एक स्टैंडर्ड बन रखा है, राइट। बहुत बेटर है यार, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ होती है, मेटालिक बॉडी होती है, 5 साल हो गए हैं यार, पर आज भी ऐसे घोड़े की तरह भागता है ये, और सबसे लो मॉडल था ये, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है इनके बारे में। वेबकैम वगैरह वो क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, एक प्रीमियम वाइब देता है, कुछ है इस डिवाइस के साथ यार, आज भी पकड़ता हूँ तो यूँ लगता है मज़ा आ गया, चीज़ समझ में आ रही है हमें, तो है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका कोई फ़ैन बॉय वगैरह हूँ, भाई मैं कस्टम पीसी का भी उतना ही बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, पर इस चीज़ में है वो बात। तो अगर आप लाख रुपये तक का खर्च कर रहे हो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा अनटिल अनलेस आपको गेमिंग नहीं करनी है, गो विद मैकबुक एयर सारी चीज़ों के लिए, राइट। अब होता क्या है यार, काफ़ी बार आप देखते हो कि इनकी स्पेसिफिकेशंस उतनी हाई नहीं होती, स्पेसिफिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ ये अच्छे क्यों हैं। ये अच्छे इसलिए हैं यार क्योंकि एप्पल ही इसकी आउटर बॉडी बनाता है, एप्पल ही इसका सॉफ्टवेयर बनाता है, राइट, एप्पल ही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, तो ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेट बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। यूजुअली बाकी लैपटॉप्स में क्या होता है, चाहे आपकी एचपी, डेल, एसएस जितनी भी हैं, कि भाई आउटर बॉडी एक कंपनी बना रही है, अंदर ओएस जा रहा है विंडोज़ का, और सॉफ्टवेयर हैं थर्ड पार्टी के, तो ये तीनों यार अपनी मैक्सिमम पावर यूज़ नहीं कर पाते। एक छोटी सी चीज़ यार और, कि यार ऑनलाइन ख़रीदना अवॉइड करना, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कि चाहे आपके रिव्यूज़ किसी पर्टिकुलर लैपटॉप पे ठीक भी हों, एक तो डिवाइसेज आप हमेशा कमेंट सेक्शन या रिव्यू देखना, कोई ना कोई ज़रूर होगा जो दुखी रहता है, और ऐसे में यार आप रिटर्न भी नहीं कर पाते। काफ़ी बार होता है कि यार कुछ लैपटॉप्स होते हैं जिन्हें आप रिटर्न नहीं कर भी सकते हो, तो क्या होता है, आप दुकान से खरीद के आते हो तो आप दुकान वाले को पकड़ सकते हो, ओ भाई कैसे ख़राब हुआ ये, वारंटी वगैरह आप सारी चीज़ें देख सकते हो, आपका लोकल एरिया होता है। अनटिल अनलेस ऐसा है कि भाई मैं तो स्मॉल टाउन में रहता हूँ, कोविड का टाइम है, लेना ही नहीं चाहता, तभी आप अमेज़न वगैरह पे जाके उस चीज़ को खरीदें। जैसे मैंने ये ख़रीदा था यार, ये लैपटॉप है लगभग 2.5 लाख से ऊपर का, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हाई एंड है, और ये मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए लिया था, ग्रेट। अब इसके अंदर एक इशू आया मेरे को, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई परफॉर्मेंस है, इसके बराबर का लैपटॉप नहीं है, पर बैटरी इशू आ गया, कुछ डिफ़ॉल्ट बैटरी आई थी इसके अंदर, राइट। तो होता क्या था, इस पे क्लेम किया जाता है कि यार 10 घंटे बैटरी लाइफ चलती है, मेरी बैटरी लाइफ चलती थी 1.5 से 2 घंटे नए लैपटॉप के ऊपर, और मेरा दिमाग हो रहा ख़राब कि हो क्या रहा है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें कुछ हो सकती हैं, तो ऐसे में ऑल दो ये तो एप्पल है भाई, आप कहीं भी किसी भी एप्पल स्टोर पे जाके इसको ठीक करा सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन खरीदो, पर मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ, यूजुअली जब आप ऑफलाइन जाते हो तो आपको बेटर डील्स भी मिलती हैं, स्पेशली एप्पल के ऊपर, अगर आप जुलाई महीने में जाते हो, अगस्त महीने में जाते हो, तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है 8 से 10% का डिपेंडिंग। और मेरा यार जो आप पीसी देख रहे हो पीछे, ये करीबन 2 लाख का है, पर मेरे को इस पे लगभग 31,000 का डिस्काउंट मिला था, 31,000 का, जो आपको पीछे आईमैक दिख रहा है, तो
ये आप क्या है कि आप स्टोर्स के ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी बार स्कीम्स चल रही होती हैं, उनसे फ़ायदा चल जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन से बेटर आपको ऑफलाइन पे हो सकता है, बेटर डील मिले, साथ में रिलायबिलिटी भी होती है, आप जाके दुकान वाले को पकड़ सकते हो कल को। ग्रेट, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। बाकी इन सारे मॉडल्स की यार मैं फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इन केस आपको अमेजोन पे जाके देखना है तो। राइट, अब 25,000 से 30,000 रेंज के अंदर यार ये फलाना चीज़ आ रखी है, 26,000 रुपये का है, 27,000 रुपये का है। एकमात्र यही मॉडल मेरे को मिला जिसके अंदर आपको SSD मिल रही हो, और वो भी 256 GB, बाकी सब में आपको HDD मिल रही थी। राइट, तो कोशिश करें आपको ये वाली चीज़ मिल जाए। 30,000 से 35,000 के बीच में यार मैंने आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों के अंदर यार आपको वही सारी चीज़ें मिल रही होंगी कि i3 10th generation 14 इंची का, 4 GB रैम और 1 TB HDD भी मिल रही है इसके अंदर। सॉरी, सिर्फ 1 TB HDD ही मिल रही है, SSD का ऑप्शन नहीं है, तो इतना रिकमेंडेड नहीं है, पर फिर भी मैंने लिख दिया। मेरी रिकमेंडेशन होंगी ये जिनमें आपको SSDs मिल रही हैं। राइट, तो वारंटी वगैरह है, 8th generation है, ये आप खुद सारी चीज़ें देख सकते हो। 32,000 33,000 इनके रेंट हैं, सॉरी प्राइसेस हैं। अब हो सकता है ये वैल्यू ऊपर नीचे जाएं, तो कमेंट्स में लिखने मत लग जाना ये तो सस्ता मिलता है, ये महंगा मिलता है, वैल्यूज फ्लक्चुएट होती रहती हैं। फिर सिमिलरली 40,000 से 50,000 की रेंज में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, यूजुअली यार मैंने एक चीज़ देखा कि ASUS के जितने भी आपके मॉडल हैं वो बेटर वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, राइट, कि भाई आपका सस्ते में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये HP Pavilion 2-in-1 है यार, 360 बहुत कम स्टॉक में है, बहुत कम स्टॉक में, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे आपको टच स्क्रीन भी मिल रही होगी वो भी मिल रही होगी। अब टच स्क्रीन की जब राइटिंग पैड की बात आई रही है, तो यार एक ये नई चीज़ ये भी आई है आईपैड की, ये मैंने रिसेंटली लास्ट महीने ही लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ फैकल्टीज़ नोट्स वगैरह जब बना रहे थे हम, तो ये है आपका आईपैड प्रो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, दिख रहा है ये आपको, लगभग ये वाला होता है करीबन एक A4 साइज़ के ऊपर का ही। ठीक है, ये डिवाइस है आपकी 1 लाख के ऊपर की। मैं ऐसे ही एक दिन दूसरा आईपैड लेने जा रहा था, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी, मल्टीपल टीचर्स आ चुके हैं, और वहाँ पे मुझे दिखा कि यार 30,000 रुपये के अंदर भी अब आपको आईपैड मिल रहा है। ऑल्दो आप इसकी पेंसिल साथ में लोगे तो ये आपको 38,500 के करीब का पड़ेगा, पर जब मैंने इस पे ऊपर लिख के देखा तो यार ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो कि भाई ठीक है हमारे पास बजट है, पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप इसे भी ट्राई आउट कर सकते हो। बेस्ट अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो यूट्यूब वीडियोस देखने से नहीं आएगा, किसी एप्पल स्टोर में जाओ, वहाँ पे ये पड़े रहते हैं, और 15-20 मिनट बैठ के इसके ऊपर लिखो। अब जब आप लिखोगे ना यार, फर्स्ट डे हैंड राइटिंग नहीं आती। ठीक है, मतलब जब हमने भी आईपैड पर लिखना स्टार्ट किया था तो 2 से 3 दिन लगते हैं हाथ जमने में, पर उसके बाद एकदम परफेक्ट हैंड राइटिंग आती है। तो एक कॉलेज जाने वाला बच्चा है, ठीक है, जिसे सिर्फ नोट्स वगैरह हैं वो सारा इसी पे लिखना चाहता है, इसे एज आईपैड भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, मूवी वगैरह देख रहा है, तो एक ठीक ठाक ऑप्शन काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, स्पेशली वो उन बच्चों के लिए जो कि आर्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे फ्रीलांसिंग में, अगर आप आर्टिस्ट की तरह कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप भाई ग्राफिक्स के अंदर भी, एनिमेशन के अंदर भी यार हमें है ना कैरेक्टर स्केचेस वगैरह बनाने होते हैं, उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, तो ये एक बहुत शानदार बेहतरीन ऑप्शन है। ऑल दो उस पर्टिकुलर केस में सस्ते ऑप्शंस भी होते हैं, हमारे पास पेन टैबलेट्स होते हैं जो कि 5-7 हज़ार में ही आ जाते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। फिर हम 50,000 से 60,000 की रेंज की यार अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने लग जाएगा, 512 GB SSD के साथ एक एक्स्ट्रा स्लॉट। अब आप में से काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया कुछ हमारे लैपटॉप्स होते हैं जो कि कॉन्फिगरेबल होते हैं, मतलब आप उनमें अपग्रेड कर सकते हो कि 4 GB रैम है तो हम 8 GB रैम कर देंगे। हाँ, तो वो सारी यार छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, तो उन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये यार आपके ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऐड यहाँ पे मिल रही हैं। मैंने छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस PDF को देख सकते हो, बोल के मैं बोर नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। अब जैसे ही यार हम अंडर 1 लाख आए, ये गेमिंग PCs भी मैंने लिख रखे हैं आपके, ठीक है, कि ये ASUS का टफ गेमिंग आता है, यही सबसे बेस्ट रिकमेंडेड है यार, वैल्यू फॉर मनी यही मिल रही है। अब ये जो 70,000 अमाउंट के अंदर आता है, यूजुअली ये मैंने लीस्ट अमाउंट लिखा है यार, आपको 75,000 तक का भी मिल रहा होगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है इस लैपटॉप के ऊपर। सिमिलरली जैसे ही आप 1 लाख के नीचे जाते हो, तो वही लैपटॉप फिर से, बस थोड़ी हाई स्पेसिफिकेशन, 6 GB ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, 8 कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, 1 लाख के अंदर 8 कोर का प्रोसेसर और क्या चाहिए आपको, राइट। फिर साथ में यार आपका HP Pavilion 360X भी आता है, जैसे कि जो भी मैंने लैपटॉप दिखाया वही हाई स्पेसिफिकेशन के साथ, कि 16 GB रैम मिल रही है, 512 GB SSD, i7 10th कोर, तब इसके अंदर यार आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आप नोट्स भी बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपना गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, और ये 14 इंची का भी है, तो एक फिंगरप्रिंट वगैरह भी है, तो एक तरह से ये ऑल इन वन है। तो अगर मैं अपनी बेस्ट पिक लूँ विंडोज़ के अंदर, तो ये एक अच्छी पिक है, राइट। बाकी मैकबुक एयर तो वही है ही प्यार,
और अगर हम 60 से 70 हज़ार रेंज के बीच में देखें तो ये Asus का ZenBook है यार, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। आपका Ryzen 5 का प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, 512 GB SSD है, एक्स्ट्रा स्लॉट था या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स है, मेटल बॉडी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ठीक है कि भाई टच करते ही खुल रहा है, बैकलिट है, तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। इसी के अंदर यार आपको अगर i7 प्रोसेसर के साथ जाना है, ठीक है, i7 प्रोसेसर के साथ जाना है तो वो भी हो जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी प्राइस ऊपर जा रही होगी 10-12 हज़ार से, राइट। तो वो काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनफैक्ट उसमें आपको फेस का भी ऑप्शन मिलता है कि जो लैपटॉप है वो आपका फेस देखते ही खोल देगा, राइट, ऑटोमेटिक। साथ में यार अगर आपको गेमिंग वगैरह के बारे में थोड़ा और जानना है तो ये हमने यार साथ में नीचे PDF लगा रखी है, ठीक है। तो ये 3-4 मॉडल हैं जो कि हमें बेस्ट मिले यहाँ पे, ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे आपको दे रहा होगा थर्ड वाला ऐसा स्टफ। सिमिलरली कन्वर्टेबल की अगर हम बात करें तो ये 3-4 हैं यार जो कि मार्केट में अच्छे चल रहे हैं। इसमें भी HP Spectre X360 का बेस्ट रिव्यू क्योंकि इसको हमने इन हैंड यूज़ कर रखा है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। काफ़ी ऐसे भी हैं जैसे डेल का XPS 13 है, इसके अंदर भी काफ़ी प्यारा है पर तो वही है काफ़ी ज़्यादा महंगा जा रहा होगा, ठीक है, कि लाख से ऊपर जा रहे हैं ये फिर सारे के सारे। लिनोवो का आइडिया पैड भी बहुत अच्छा है, ग्रेट। तो ये सारे यार हमने नीचे यहाँ पे मॉडल दे रखे हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। एट द एंड यार यही बोलना चाहूँगा, इसे लेने से पहले काफ़ी सोचें, ठीक है, और देखें कि आपकी फ्यूचर में क्या क्या नीड्स हो सकती हैं। अगर आप अपने आप को पुश कर सकते हो तो डेफिनेटली पुश करें, और चाहे सस्ता मोबाइल लेना पड़े उसके बदले में हमें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इनकेस यार अगर आपको iPads के बारे में और जानना है कि इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, नोट्स इनके ऊपर कैसे बन सकते हैं, तो मुझे बताना, उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड